What is a circle? Circle. Firstly, the definition of circle. What is a circle? A circle is a simple closed curve. Figure भी बोल सकते हैं. That is closed curve. Circle is a simple closed curve. All the points of which are at the same distance from a given fixed point. Quite clear है? Quite clear है? ठीक है. The fixed point is called what? Center of the circle. Very easy definition. देखो बेटे बहुत ही सिंपल सा बोला है. A circle is a simple closed curve. Circle कैसा कहा हुआ है? Simple closed है, बंद होना चाहिए भाई. ठीक है. All the points of which are at the same distance from a given fixed point. एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी. एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सारे पॉइंट्स की क्या होगी? सेम होगी. और उस फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या है? सेंटर. पॉइंट क्लियर है? मैं यह डायग्राम बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखो. ये फिक्स्ड पॉइंट है. पॉइंट क्लियर है? ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है. सर्कल एक कैसा फिगर है? क्लोज्ड फिगर है. कैसा फिगर है भाई? क्लोज्ड. सॉरी सेंटर यहां ले लो, थोड़ा डायग्राम से नहीं बना. सेंटर ही है. और सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट. जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से कैसी है? इक्वल भी बोल सकते हैं. हाँ यस, इक्वल. ओके, सेम भी बोल सकते हैं. ए और वो जो डिस्टेंस है उसका नाम क्या है? रेडियस. रेडियस. उस डिस्टेंस का नाम क्या है बेटे? रेडियस. वेरी टोटल डिस्टेंस लेंगे तो डायमीटर. डायमीटर टोटल मीन जो सेंटर से पास करे. ओके, तो ये बेटे यहां तक समझ आ गया. मैं दोबारा से बताऊं क्या? बहुत सारी डेफिनेशन है सर्कल की, बहुत सारी डेफिनेशन है. चलो एक बात बताओ, पॉइंट, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये पॉइंट ही तो है. इसकी डेफिनेशन बताओ. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पॉइंट? कई बच्चों को ना पॉइंट की डेफिनेशन ही नहीं आती है. बच्चों को छोड़ो, पॉइंट है नो डेफिनेशन. एक बच्चे ने बोला था, बोलना क्या था? इट हैज नो डायमेंशन. इट हैज नो डायमेंशन. उसने बोल दिया था पॉइंट हैज नो डेफिनेशन. ठीक है, तो आप पॉइंट हैज नो डायमेंशन. इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती. पॉइंट क्लियर है? इट हैज नो डायमेंशन. लेकिन अगर कोई बात करेगा किसकी, तो कोई और डेफिनेशन. पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या है? अ सर्कल हुज रेडियस टेंड्स टू जीरो. हुज रेडियस टेंड्स टू जीरो. जिसकी रेडियस किधर जा रही है? जीरो. जीरो की तरफ जा रही है. देखो बेटे, एक सर्कल था उसकी रेडियस कुछ ना कुछ तो थी. फिर एक और सर्कल बना, उसकी कुछ ना कुछ तो रेडियस है. एक और सर्कल बना, उसकी कुछ ना कुछ तो रेडियस है. लेकिन वो सर्कल जिसकी रेडियस कहां जा रही हो? कहां जा रही हो? जीरो की तरफ जा रही हो. कहां जा रही हो? जीरो. उस सर्कल का नाम क्या है? पॉइंट. पॉइंट. इसका नाम है पॉइंट. क्या बात, क्या डेफिनेशन बोली है. अच्छी डेफिनेशन है कि नहीं है? पॉइंट की डेफिनेशन नहीं आती लोगों को. ठीक है, अब बात करें आगे हम. तो आपने बोला था सर्कल की डेफिनेशन, मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं बेटे. ये सर्कल है ना हमारा. सर्कल क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व. ऑल द पॉइंट्स ऑफ विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. बच्चे डाउट है कोई क्या इसमें? ठीक है, ये सभी जो फिक्स्ड डिस्टेंसेस हैं इनका नाम है रेडियस. और इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम है सेंटर. इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या है बेटा? सेंटर. सेंटर. समझ आ गया? तो कोई डाउट है? वेरी गुड. आगे बोलो. अब बात करते हैं टर्म्स. मैंने जब टर्म्स लिखा तो बच्चे कहते हैं हाँ सर पढ़ा है टर्म्स तो हमें पता है.
ने क्या भी टर्म, अरे सर अलजेब्रा में पढ़ाया था आपने, है ना, वो हम तो सर्कल कर रहे हैं टर्म्स, कुछ सर्कल से रिलेटेड जो है उनकी बात कर रहे हैं, कुछ टर्म्स जो सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल से रिलेटेड एक सबसे पहला टर्म है जिसका नाम है रेडियस। क्या बेटे? रेडियस। मैं सेंटर की डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सेंटर की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसका नाम क्या है? सेंटर। सेंटर है तो रेडियस, लाइन सेगमेंट, रेडियस क्या है? लाइन सेगमेंट। बेटे लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस पता है कि नहीं पता है? लाइन सेगमेंट मीन जो कहीं फिक्स्ड हो जाए, कहीं पर स्टॉप हो जाए, लाइन सिंपल इन्फिनिटी तक जाए। ये आपकी लाइन है, अब तो डिफरेंस पता लग गया होगा, ये लाइन है और ये क्या है आपका? लाइन सेगमेंट। सेगमेंट है और फिक्स्ड पोजीशन से स्टार्ट होकर एक फिक्स्ड पोजीशन पे आता है। ये क्या है बेटे? रे। स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसका दो फिक्स्ड पॉइंट है और इसमें कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, दैट इज एंडलेस। ओके, दैट इज अ लाइन। कोई डाउट आ गया यहां तक? रेडियस क्या होता है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ सर्कल, ज्वाइनिंग सेंटर एंड एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकते हो सर्कल के ऊपर, उसको जो ज्वाइन कर दे सेंटर को और एनी पॉइंट ऑफ सर्कल को, उसको क्या बोलते हैं बेटे? रेडियस। क्या गलत बोला हमने कुछ? कोई डेफिनेशन गलत है हमारी यहाँ? बता दो अभी, अगर कुछ रॉन्ग लग रहा है तो फिर से बताएं। देखो बेटे, ये आपका एक सर्कल है और सर्कल है कि नहीं है? है। इस सर्कल में ये क्या है आपका? फिक्स्ड पॉइंट है। इसके ऊपर सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उनकी इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका नाम क्या है? रेडियस। उसका नाम क्या है बेटे? रेडियस। ये आपकी रेडियस है बेटे। पॉइंट क्लियर है? दोबारा बताना होगा क्या डेफिनेशन रेडियस का? इतना इजी डेफिनेशन है, इसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या थोड़ा हिंदी में पढ़ लो भाई, ठीक है? स्कूल में हिंदी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले यूएसए में जाके हिंदी में भाषण दिया था, अमेरिका में, ठीक है? और अगर कोई, हमें प्राउड होना चाहिए अपनी लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है? और स्टैंडर्ड तक हिंदी करी है, नाइन्थ में अकेली पंजाबी है, पर वो भी सही से नहीं हो पाती है। एक बच्चे ने बोला क्लास में कि सर उनको हिंदी में बोलने की जरूरत थी, बेइज्जती करा रहे थे इंडिया की, इसमें क्या बेइज्जती वाली बात है? सही तो था, सही है, बेइज्जती कहते हैं। नहीं सर उनको सीख लेनी चाहिए थी। फिर उन्होंने पता क्या बोला, एक बच्ची बैठी थी वहाँ क्लास में, कहती सर मैंने पॉलिटिशियन बनना है, उसका आंसर पता क्या था? कहती सर वो सीखे हमारी लैंग्वेज, हम क्यों सीखे? ठीक है, ये भी सही है ना। कॉर्ड की बात करते हैं, हम उनकी सीख चुके हैं, अब उनकी बात। कॉर्ड, इंडिया वर्ल्ड में सेकंड कंट्री है जो सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, पता है? ठीक है, कॉर्ड की बात करते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कॉर्ड क्या है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, वो लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट को ज्वाइन करे, लेकिन वो दोनों पॉइंट कहाँ होने चाहिए? ऑन अ सर्कल। सर्कल के ऊपर अगर नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं है, तो वो कॉर्ड नहीं बनेगा बेटे, समझ आ रहा है? इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कोई डाउट है बेटे? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मैं दोबारा से डेफिनेशन आपको क्लियर कराता हूँ, जरा ध्यान से देखना। एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को क्या करे? ज्वाइन करे। दो पॉइंट ले लो सर्कल के ऊपर, ये दो पॉइंट्स हैं, इनको ले लो, इनको ज्वाइन करेगा कॉर्ड, तो क्या बनेगा बेटे? कॉर्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। मेरी तरफ, इधर कॉपी की तरफ, कॉर्ड को बोलते हैं जीवा हिंदी में, है ना? इन हिंदी दैट इज जीवा एंड दैट इज ऑल्सो ए कॉर्ड। ओके, बट कॉर्ड्स की भी वो होती हैं, ये भी कॉर्ड है। लेकिन बेटे ये बताओ, ये सारी कॉर्ड्स ही तो है, इनमें से एक सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी? डायामीटर। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ बच्चे और बैठे हो तो क्लैप करा। ये देखो, ये जो सेंटर से पास कर जाएगी ये सबसे लॉन्गेस्ट होगी, इससे कोई लेंथ ही नहीं होगी, और इस वाली का नाम है डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर के डेफिनेशन ये भी बोल सकते हो कि सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, दैट इज डायमीटर। बेटे डाउट है कोई? वेरी गुड, दैट इज डायमीटर। और ये कॉर्ड्स भी दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक माइनर कॉर्ड और एक मेजर कॉर्ड। नहीं बेटे वो सेगमेंट्स होते हैं। नहीं कॉर्ड भी होते हैं जैसे सेगमेंट की बात कर रहे हो बेटे, दैट इज सेगमेंट, सेगमेंट एंड सेक्टर, है ना? मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, है ना? वो आएगा अभी, अभी आप उसको बीच में कंफ्यूज ना करो। अभी तो डाउट क्लियर है, रेडियस पता लग गया, कॉर्ड पता लग गया, नेक्स्ट इज डायमीटर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए डायमीटर? डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। व्हाट आर यू सेइंग? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। ये तो अभी बताइए ना डेफिनेशन, कोई और बताओ।
एनी अदर डेफिनेशन? डेफिनेशन ऐसी बताओ कि एक फोर्थ क्लास के बच्चे को भी समझ आ जाए। हाँ जी, डायमीटर, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू, अ कॉर्ड, सी हियर, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, ये क्या होती है? पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो सेंटर से पास कर जाए उसका नाम क्या है? इज नोन एज डायमीटर। लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हो आप, लेकिन कौन, किसको क्या पता कौन सी लॉन्गेस्ट है? कोई कह देगा नहीं सर ये मुझे तो ये लॉन्गेस्ट लग रही है, मुझे तो ये वाली लॉन्गेस्ट लग रही है, मुझे ये लिख देना पॉइंट क्लियर है। तो इज नोन एज इट्स, इसको क्या बोलेंगे? इसका डायमीटर। क्या बोलेंगे बेटे? डायमीटर बोलेंगे। डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज बट डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, किसी के कहने से वो लॉन्ग नहीं हो जाएगी, कोई हल नहीं। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सोचने वाली बात है, अगर कोई ऐसे कहता होता तो खुद का ही मैच बना देते लोग तो आज। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये सर्कल है, वो ठीक है, सर्कल है कि नहीं है? हाँ जी। ये इसका क्या है? सेंटर है बेटे। क्या है? सेंटर। वो सेंटर है कि नहीं है? हाँ जी। व्हाट इज दिस?